सबसे पहला बात, मेरा नाम श्याम कुमार पांडे हुआ। मैं काली माता मंदिर रेड़मा में अभी वर्तमान में पुजारी हैं। जहाँ तक रही बात की 16 संस्कार, तो मेरे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व जन्म कृत कर्म तद देवमति कथ्यते तत्मास्तम पुरस्कार ने यत्न कुर्वन्ति अथोचितम। इस श्लोक का भाव है कि हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म से नाना प्रकार के सुख दुख या जो भी हम इस संस्कार में बनते हैं, यह सब मेरा पूर्व जन्म का देन होता है। तो जब सबसे पहला संस्कार है जन्म संस्कार, व्यक्ति पहले तो गर्भाधान हुआ कि गर्भ में हम आते हैं, तो गर्भाधान संस्कार भी हुआ है कि जब हम गर्भ में आते हैं उसके लिए भी बहुत तरह के प्रक्रिया है जो वैदिक रीति रिवाज से हमें अपने दाम्पत्य जीवन में कैसे क्या करना है वो हमें आचार्यों के द्वारा बताया जाता है कि शुभ समय में ही हम गर्भाधान का काम करें। अब रहा बात की गर्भाधान से जो हम ऊपर चलते हैं तो जन्म का स्थान आता है, माने जन्म संस्कार। तो जब जन्म संस्कार आता है तो उसी में ये घरेलू कार्यक्रम में आता है कि जन्म संस्कार में एक छठी। तो छठी क्या है? तो सीधा सीधी बताया जाता है कि हमारे यहाँ छठे दिन पर, माने जन्म से छठवें दिन पर, पुत्र आदि जो भी जन्म लिया हो शिशु, उसका क्या किया जाता है कि उस दिन हम सभी लोग वहाँ पर अशुभ समय अशौच में हो जाते हैं, इसलिए उसे को शुद्ध समय मानने के लिए हम लोगों ने, समाज ने प्रक्रिया बनाया कि कम से कम 6 दिन के बाद यह संस्कार करेंगे। क्या करना है? तो उस समय सभी माँ बहने स्नान आदि करके अपने पैरों को रंगती आदि है कि ताकि उस समय से शुभ अशुभ हो, एवं सभी जितने भी गार्जियन गण होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, अपने बाल वगैरह को हटवाते हैं ताकि वहाँ से बताया जाता है कि वे वहाँ से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम गर्भ से आते हैं और आने के बाद हम शूद्र के रूप में रहते हैं, इसलिए शूद्र मीन्स क्या कि आचरण हीना इति शूद्र, जो आचरण से हीन है वही शूद्र है। मतलब जो कोई संस्कार को हम नहीं जानते हैं, कोई आचरण को करना नहीं जानते हैं, तो हमें शूद्र कहा गया है। इसलिए हमको नए संस्कार में आने के लिए, आचरणवान बनाने के लिए छठी मनाया जाता है। ये 6 दिन पर ही या 12 दिन पर ही क्यों ऐसा होता है? कहीं कहीं ये तो कहीं है कि 12 दिन पे, 6 दिन पर, कहीं कहीं लोग इसको बताते हैं कि ये पर ही मनाया जाता है, कहीं छठी मनाया जाता है, इस तरह से कुछ प्रचलन है। अब रहा बात ये कि कुछ विद्वानों का मत है कि जैसे हमारे यहाँ शास्त्र 6 है, तो हमें जो चीज भी मिला है शास्त्र के माध्यम से मिला है। एक तो ये प्रक्रिया है कि हम शास्त्र के मुताबिक चलते हैं, इसलिए हमें जो है से इसे 6 दिन माना गया है। दूसरा का बात ये भी कहा गया है कि ये 6 दिन ही क्यों, तो बतलाया जाता है कि हर व्यक्ति को, जैसे हमारे यहाँ बताया गया कि 6 महीना में पुत्रों को, पुत्री को, इस सभी को जो है प्रौढ़ हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से इसे 6 दिन जो है उसको निकाल लिया गया, लेकिन शास्त्रीय हिसाब किताब से उसे जो है 6 शास्त्र का यह प्रकरण है, शास्त्रीय विधि है, इसलिए उसको 6 दिन मानते हैं, जो हमारे कुछ विद्वानों का कहना है।